अकेले अकेले अपनी बिजनेस स्टार्ट कर ली है। हाँ तो अलन, मेरे पास जितने पैसे थे उससे यही बिजनेस स्टार्ट हो सकती थी, और तो कुछ नहीं हो सकता। अबे तो उन पैसों से टिकट खरीद करके लाहौर वापस नहीं आ सकता था? ईमानदारी से और हलाल की रोजी कमाने की कोशिश की है। वो देखा तुमने किस बुरी तरह फेल हुई है। हाँ, यहाँ ईमानदारी बिल्कुल ऐसे ही फेल हो जाती जैसे बिजली फेल हो जाती, आती है जाती है, आती है जाती है। अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्रिएटिव खिचड़ी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें इसके लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। ड्रामा अलिफ नून से फन की बुलंदियों को छूने वाले मारूफ ड्रामा निगार और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। उन्होंने अलिफ नून के जरिए फन की दुनिया में अनमिट नकुश छोड़े। कई और शाहकार ड्रामे भी उनके कैरियर का हिस्सा बने। ₹5 पकड़े थे कि ये कंघी और ये सब चीजें बेच करके बच्चों का पेट पालूंगा, 2 दिन से भूखे हैं। और तेरे चाहे बच्चे मर जाए या तेरे अंडे मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कमाल अहमद रिजवी भारतीय सूबे बिहार में 1930 में पैदा हुए। कयाम पाकिस्तान के बाद उन्होंने रेडियो और स्टेज पर भी किरदार नगारी की। इसको एक लपड़ मारेंगे तो खाएगा ये। तू चुप कर। अच्छा, तुझे मेरी जान की कसम, खा ले ये। थोड़ा थोड़ा सा। हाँ हाँ, थोड़ा। बस 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 ये ले। बस अम्मी, बस बस अब नहीं, बस मेरी, बस प्लीज, बस एक मेरी तरफ, एक ये अब्बू की तरफ। बस अम्मी ले। एक ये पता किसकी तरफ से? शमसा की। एक और, एक और, एक दजिया की तरफ से मेरे मुंह में। ये लो। उनका नाम स्टेज के बानियों में तसव्वुर किया जाता है। 2015 में शदीद अलालत के बाद 85 साल की उम्र में कमाल अहमद रिजवी खालिक के हकीकी से जा मिले। वो तो चले गए मगर फन का अनमोल खजाना पीछे छोड़ गए।